वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 17 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 18. सो इन दैट योर एक्सपेरिमेंट नंबर 17 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 18 इज टाइटल इज टू स्टडी द ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 18 इज टू स्टडी द ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम. सो सिंपली जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 17 है उसके अंदर हमको एक्सियल स्केलेटन की स्टडीज करना है, और जो नंबर 18 नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है आपका उसके अंदर हमको अपेंडिकुलर स्केलेटन की स्टडीज करना है. सो प्रीवियस अगर हम बात करें तो हमने लेक्चर में ऑलरेडी स्केलेटन सिस्टम को स्टडी कर चुके हैं उसकी हम, बट आपके एक्सपेरिमेंट में भी वो इंक्लूड है तो हमको उसको इन शॉर्ट देखना है. सो हमको पता है कि स्केलेटन सिस्टम्स क्या होता है. ओके, उसको दो मेजर ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन. सो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है. सो स्केलेटन सिस्टम मीन्स ये हमारे बॉडी का एक बोनी फ्रेमवर्क है. मीन्स ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स इंक्लूड हैं. जो लिगामेंट्स हैं वो बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं, उसको अटैच करने का काम करते हैं. मींस लिगामेंट्स ये इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो कि हमारी बोन्स के अराउंड में होते हैं कि ये, और एक बोन से दूसरी बोन्स को ये अटैच करने का काम करते हैं. और जो टेंडन्स जो होते हैं ये मसल से बोन्स को अटैच करने का काम करते हैं. ओके, तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर हमारे बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं और टेंडन्स आते हैं. ओके, सो जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसके अंदर मीन्स नियर अबाउट 206 बोन्स होती है, जो कि हमको एक हमको स्ट्रांग और मूवेबल लाइनिंग प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को. ओके, और वो हमको हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको एक उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है और हमको एक स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करती है. ओके, बट देखा जाए तो जो स्केलेटन सिस्टम है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो कि मीन्स हमारे बॉडी को एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है और एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर्म करती है, और ये हमको मीन्स एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे जो भी डेलिकेट्स ऑर्गन्स होते हैं उसको. ओके, देन नेक्स्ट आते फिर हम हमारे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे. और सो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 17 और एक्सपेरिमेंट नंबर 18, उसके अंदर हमको एक्सियल और अपेंडिकुलर की स्केलेटन की स्टडीज करना है. सो जो स्केलेटन सिस्टम से हमारा उसको मेनली दो ग्रुप्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका एक्सियल स्केलेटन. ओके, जिसके अंदर आपके मीन्स स्कल्स आता है. ओके, देन फिर उसके बाद थोरैसिक किया जाता है, देन फिर उसके बाद वर्टेब्रल कॉलम आती है. तो स्केल्स के अंदर मीन्स हमारे क्रैनियम बोन्स आती है, फेस बोन आती है, ईयर ऑसिकल्स आते हैं. ओके, जिसको हम मीज बोलते हैं. ओके, देन थोरैसिक केज के अंदर हमारे रिब्स आती है और स्टर्नम आती है. देन वर्टेब्रल कॉलम के अंदर सर्विकल वर्टेब्री, थोरैसिक वर्टेब्री, लुम्बार वर्टेब्री, कॉकिक्स और सैक्रम, ये सब हमने ऑलरेडी हमारे स्केलेटन चैप्टर में हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, देन नेक्स्ट आता है फिर आपका हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर कितनी बोन्स होती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर. तो टोटल हमारे स्केलेटन जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके अंदर 80 बोन्स होती है. वो कैसे कि जो स्कल्स होता है हमारा उसके अंदर टोटल 29 बोन्स होती है, और जो थोरैसिक केज होता है उसके अंदर 25 बोन्स होती है, और जो वर्टेब्रल कॉलम्स होता है हमारा उसके अंदर टोटल 26 बोन्स होती है. तो ऐसी सब हमारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स होती है. ओके, सो जो क्रैनियल्स जो होता है हमारा मीन्स स्कल्स, तो स्कल्स के अंदर टोटल जो बोन्स होती है 29 होती है. वो किसी के मीन्स जो पेराइटल
और जो टेम्परल पैरेटल बोन होती है उसमें टू टेम्परल बोन्स होती है टू, देन फिर फ्रंटल बोन्स वंस होती है, स्फेनॉइड बोन, ऑसिपिटल बोन्स, इथमॉइड बोन्स, ओके, देन फिर फेज बोन्स होती है, इसके अंदर मैक्सिला दो टू होती है, जाइगोमेटिक बोन्स टू होते हैं, पैलेंटीन टू होते हैं, लैक्रिमल बोन्स टू होते हैं, नजल बोन टू होते हैं, इन्फ्रेर नजल कॉनका टू बोन्स होती है, मैंडिबल एंड वॉमर वन वन बोन्स होती हैं, ओके, देन फिर ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर जो मैसिलस इंस्कस स्टेफिस ये भी बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन मीन्स स्कल के अंदर आते हैं, ओके, तो टोटल जो बोन्स होते हैं हमारी 28 होती है, बट एक बोन्स और आती है जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन्स, तो ये भी इसके अंदर आती है, बट हम इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ओके, सो टोटल जो बोन्स होती है मीन्स एक क्रैनियल्स बोन्स के अंदर स्कल्स के अंदर वो टोटल 20 होती है, 29 होती है, बट हायोइड को भी हम कभी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो वो सिंपली अलग सेपरेट हो जाती है, ओके, बट ये हायोइड बोन जो है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर ही आती है, ओके, सो 28 प्लस हायोइड बोन 29, ओके, देन फिर वर्टेब्रल कॉलम के अंदर टोटल जो बोन्स आती है वो 26 होती है, जिसके अंदर सर्विकल वर्टिब्री जो अपर पार्ट्स होता है वो 7 होती है, फिर थोरासिक वर्टिब्री के जो स्पेयर होते हैं वो 12 होते हैं, लुम्बार वर्टिब्री 5 होते हैं, सैक्रम 1 होता है, कॉकिक्स 1 होता है, तो ऐसे टोटल 26 बोन्स हमारे वर्टेब्रल कॉलम में होते हैं। देन फिर थोरासिक केज के अंदर टोटल जो बोन्स होती है वो होती है 25, जिसके अंदर जो थोरासिक केज होते हैं हमारे रिब केज, ओके, वो पेयर में होती है 21, 24, 12 के पेयर में होती है, फिर उसके अंदर मीन्स जो रिब्स होती है वो 12 के पेयर में होती है, मीन्स टोटल 24 बोन्स होती है, और एक होती है स्टर्नम, ओके, सो स्कल के अंदर 28 बोन होती है और एक होती है हायोइड बोन 29, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन होती है और थोरैसिक केज में होती है 25, तो ऐसी टोटल एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारी होती है 80 बोन्स होती है, ओके, जिसको हमने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। देन नेक्स्ट आता है फिर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 18, जिसके अंदर हमको अपेंडिकुलर स्केलेटन की स्टडीज करना है। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर टोटल जो बोन्स होती है वो टोटल 126 होती है। वो कैसे कि मीन्स जो अपर लिम्स होते हैं जैसे कि हैंड, तो वन हैंड के अंदर जो बोन्स होती है हमारे टोटल वो 30 होती है और सेकंड के अंदर 30, तो टोटल 60 बोन होती है हमारे अपर लिम्स के अंदर, और वैसी जो लेग्स होते हैं हमारे जिसको हम लोअर लिम बोलते हैं उसके अंदर भी वन लेग के अंदर 30 और सेकंड लेग्स के अंदर 30, टोटल 60, तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स के अंदर टोटल जो बोन्स होती है वो 120 बोन्स होती है, और जो सिक्स बोन जो होती है वो जिसको हम बोलते हैं गर्डल्स, जो कि अपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटन को अटैच करने का काम करती है, उसको जोड़ने का काम करती है, ओके, तो वो होती है आपकी गर्डल्स, मीन्स गर्डल की वजह से जो हमारा दोनों भी दो ग्रुप है मीन्स स्केलेटन सिस्टम के, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन दोनों भी एक दूसरे से अटैच होते हैं, ओके, और दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं एक दूसरे के साथ। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो आती है आपकी इसके अंदर हमारे बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल्स, ओके, जिसके अंदर क्लेविकल और स्कैपुला आता है आपका, देन फिर बोन्स ऑफ फोर लिम्स, जिसके अंदर आपका जो अपर लिम्स है उसके अंदर ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, और पेल्विक गर्डल के अंदर हिप बोन आती है आपकी, ओके, देन जो बोन्स ऑफ हिंड बोन, हिंड लिम्ब, जो लोअर लिम्ब्स की जो बोन्स होती है हमारे, इसके अंदर फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, ओके, सो टोटल जो बोन्स होती है हमारे अपेंडिकुलर्स के अंदर, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर वो टोटल 126 बोन्स होती है, जिसके अंदर सो अपेंडिकुलर की इसके जो बोन्स होती है उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो जो अपर लिम्स में टोटल जो बोन्स होती है हमारी मीन्स जो फोर लिम्स होता है हमारा अपर लिम्स, उसके अंदर टोटल जो बोन्स होती है दोनों हाथों में
सिक्सटी बोन होती है। वो कैसे कि वन हैंड जो होता है हमारा उसके अंदर फर्स्ट जो बोन होती है हमारी वो होती है ह्यूमेरस, ओके, देन फिर उसके बाद आती है रेडियस, देन फिर उसके बाद आती है अल्ना, ओके, देन फिर उसके बाद है कार्पस। तो ह्यूमेरस वन होती है, ओके, रेडियस वन होती है, अल्ना एक होती है, ओके, और जो कार्पल्स होती है हमारी कलाई उसके अंदर टोटल एट बोन्स होती है, जिसको हम हथेली बोलते हैं, ओके, हथेली के अंदर टोटल एट बोन्स होती है। देन फॉर नहीं जो 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 कलाई होती है, ओके, उसके अंदर टोटल एट बोन्स होती है, और जो मेटाकार्पल्स होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं हथेली, उसके अंदर टोटल फाइव बोन्स होती है, और जो फैलेंजेस होती है जिसको हम बोलते हैं उंगलियाँ वगैरह, तो उसके अंदर टोटल 40 बोन्स होती है। तो ऐसी जो मीन्स जो अपर जो हैंड्स होता है हमारा, जो एक हैंड्स होता है उसके अंदर टोटल बोन्स जो होती है वो 30 होती है। तो सेकंड हैंड में भी सेम सीक्वेंस होती है, उसके अंदर भी 30 बोन्स होती है, ओके। सो टोटल जो अपर लिम्स होता है उसके अंदर हमारे टोटल बोन्स होते हैं 60। देन नेक्स्ट आता है फिर लेग्स। सो हैंड लिम्ब के अंदर या फिर लोअर लिम्स के अंदर जो बोन्स होते हैं हमें टोटल उसमें भी 60 होती है, ओके, और इसकी भी जो सीक्वेंस होती है वो एकदम सेम होती है, सेम सीक्वेंस होती है हमारे लोअर लिम्स के अंदर, ओके, जिसके अंदर जो फीमर एक होती है, उसके बाद पटेला एक होती है, फिबुला एक होती है, टीबिया एक होती है, और जो जो टार्सल होता है हमारे जिसको हम बोलते हैं पैर की कलाई, उसके अंदर टोटल 7 बोन्स होती है, और जो मेटाटार्सल होता है जो पंजा होता है हमारे पैर का उसके अंदर 5 बोन्स होती है, और जो फैलेंजेस होती है जो उंगलियाँ होती है हमारे पैर की उसके अंदर टोटल 40 बोन्स होती है, ओके। तो सेम सीक्वेंस होती है एज पर अपर लिम, बट जो मेटाकार्पल्स होता है हमारे मीन्स जो हाथ के जो हथेली होती है, मीन्स जो कार्पल्स होता है हमारे हाथ की जो कलाई होती है उसके अंदर टोटल 8 बोन्स होती है, और जो पैर की जो मीन्स जो कलाई होती है उसके अंदर टोटल 7 बोन्स होती है, मीन्स उसमें की जो एक बोन्स होती है वो हमारे पटेला होती है, मीन्स एक्स्ट्रा वाली, ओके। तो टोटल इसी सिमिलर सेम सीक्वेंस होती है हमारी अपेंडिकुलर की, जो अपेंडिकुलर के अंदर ये अपर लिम्स की और लोअर लिम्स की, ओके। हमने इसको बहुत अच्छे से मीन्स इसको डिस्कस किया था हमारे स्केलेटन चैप्टर के अंदर, ओके। सो जो आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 17 है और जो एक्सपेरिमेंट नंबर 18 है उसके अंदर सिंपली आपको जो चैप्टर नंबर 4 है वही स्टडी करना है, ओके। और अगर डायग्रामेटिक आपको अच्छे से समझना है तो आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 17 और एक्सपेरिमेंट नंबर 18 आपको रिफ़र करना चाहिए जब भी आप स्टडीज़ करेंगे इसकी, ओके।